हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 185। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 185 है। इस पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में होता क्या क्या है ये हम आपको बता दें। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं और प्रोटोजोआ, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ, इनके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं। ओके, तो इसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है या इन्हीं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं और इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको इन्फेक्टेड, डिसइन्फेक्टेड या जो भी जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने सभी क्वेश्चन लिया, जो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ये क्वेश्चन आर स्टेट के नर्सिंग एग्जाम्स, कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स हो, ठीक है, आल स्टेट के CHO एग्जाम्स, ANM, JNM, स्टाफ नर्स, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम, और जैसे कि PCS के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग, एम्स, PGI नर्सिंग के जो स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ESIC के द्वारा एग्जाम्स हेल्ड किए जाते हैं नर्सिंग स्टाफ के या नर्स के या CHO के, और MPSW, BFUHS के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। आल स्टेट के जितने भी NHM एग्जाम्स हैं, ठीक है, उस सभी के लिए, उत्तर प्रदेश NHM, मध्य प्रदेश NHM, CHO, राजस्थान, केला, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, केला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपकी स्क्रीन पर पढ़ें, फिर आंसर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आंसर बताया करें और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल को विसंक्रमित किसके द्वारा किया जाता है, बाय होम इज वाटर स्टलाइज। क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी, क्लोरीन। वाटर को डिसइन्फेक्टेड करने के लिए, वाटर को जब स्टलाइज किया जाता है या विसंक्रमित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी पानी कहीं पर भरा जाता है या रखा जाता है, कभी शादी बारात में या इसके बावजूद भी, जैसे कि मान लो कहीं पर भोज वगैरह या कहीं पर ऐसे सेमिनार हेल्ड किए जाते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो उस पानी को साफ़ करने के लिए, क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती है। कौन सी टैबलेट डाली जाती है? क्लोरीन की, ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए और जो साफ पानी होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, तो इससे और जो भी मान लो कि जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं थोड़े बहुत, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, बाकी ये पानी को साफ करता है, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी मेथड के रूप में है और काफ़ी पुराना मेथड है, ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, क्लोरीन लिखा हो या क्लोरामाइन लिखा हो, क्या क्लोरीन या क्लोरामाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये दोनों एक ही हैं, ये इसका क्या है, एलिमेंट्स है एक तरह का, ठीक है, तो क्लोरीन लिखा होगा तो ठीक है, नहीं भी क्लोरामाइन लिखा होगा, दोनों यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 2। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जल्दी से फिर आंसर बताएं। पेप्टिक अल्सर होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है। क्या है इसका राइट आंसर? ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था। पेप्टिक अल्सर कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, यहाँ पर ये बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? हेलोबैक्टर, लिखा हेलिकोबैक्टर पायरोली। मैंने बताया था पापा हेलीकॉप्टर में, पापा ये ट्रिक मैंने बताया था, पापा हेलीकॉप्टर का मतलब होता है पेप्टिक अल्सर, हेलीकॉप्टर का मतलब होता है हेलियोबैक्टर पायलोरी, ठीक है। कभी कभी इसको जो हेलियोबैक्टर पायरोली लिखा है, इसी को एच पायरोली के नाम से जाना जाता है। क्या? एच पायलोरी। तो ये ध्यान रखना, एच पायलोरी का मतलब होता है हेलियोबैक्टर पायरोली, ठीक है, एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर होता कहाँ है? ये आपके स्टमक में होता है। कहाँ पर होता है? आपके स्टमक में होता है। इसमें क्या होते हैं, होल टाइप के बन जाते हैं, छेद टाइप के बन जाते हैं, और ये इन्फेक्शन होता है एक तरह का, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टमक की लाइनिंग होती है, इसमें होल बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, या यूँ कहें एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो दिखता है जब भी एंडोस्कोपी की जाती है तो उसके माध्यम से इसकी जांच की जाती है, इसके इमेज देखे जा सकते हैं, ठीक है। कई बार मैंने बताया भी है, और ड्यूटेनम में, यहाँ ड्यूटेनम होता है, ओसोफोगस पाइप में भी पेप्टिक अल्सर देखे जाते हैं। ओके, और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? वो बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली। मैंने इसी के लिए आपको ट्रिक बताई थी, पापा हेलीकॉप्टर में पास मतलब पेप्टिक अल्सर और हेलीकॉप्टर मतलब हेलिकोबैक्टर पायरोली। ओके, एच पायरोली के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 3। पढ़ें फिर आंसर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा जरूर है लेकिन काफ़ी मोटा क्वेश्चन है। ये लिखा है कैंडिडियासिस एक है, आपको बताना है क्या है कैंडिडियासिस। जहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर बताएं, क्या है राइट आंसर इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, एक प्रकार की फंगल डिसीज है। कैसे डिसीज है? फंगल डिसीज। कैंडियासिस या कैंडिडा लिखा होता है कभी कभी, इतना ही लिखा होता है कैंडिडा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक प्रकार की फंगल डिसीजेज है, फंगल बीमारी है, ओके। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना है, कवक लिखा हो हिंदी में, क्या लिखा होगा कवक से संबंधित बीमारी, तो आपको ध्यान रखना फंगल बीमारी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कुछ पॉइंट मेंशन है, इन्हें आप समझ लें। ये अगर जो कैंडिडा है या कैंडियासिस है, ये फंगल डिसीज है, तो कहाँ पर इसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कहाँ पर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो जीभ में ज़्यादातर देखा जाता है। कहाँ पर देखा जाता है? आपकी टंग में देखा जाता है, जेनाइटल पार्ट जैसे कि वेजाइना, यहाँ पर क्या होता है एक प्रकार का फंगस बन जाता है, ठीक है। स्किन और स्किन में देखे जाते हैं, नेल्स में देखे जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में देखे जाते हैं, ये कैंडिडा के माध्यम से हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर समझे, जैसे कि ये जो जीभ होती है, ठीक है, जीभ वाला पार्ट होता है, जीभ में होता क्या है इसमें, जैसे कि जो लोग जीभ ही नहीं करते, क्या जीभ ही नहीं करते, अपनी जीभ की सफाई नहीं करते, तो यहाँ पर एक फंगस जम जाता है। क्या होता है? एक फंगस व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, या यहाँ पर रेडनेस आ जाती है, छाले दाने बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं जो लोग अपनी जीभ की सफाई नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए नियमित रूप से आपको जीभ को, अपने टंग को साफ करना चाहिए। और जेनाइटल पार्ट, या जो लोग ज़्यादा सफाई से फीमेल्स या गर्ल्स नहीं रहती, तो उनके जेनाइटल पार्ट एज वेजाइना, वेजाइना में क्या होता है फंगस ये हो जाता है, और ये क्या करता है वहाँ पर रेडनेस ला देता है, जिससे उनको बहुत जलन खुजली महसूस होती है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में जलन और खुजली महसूस होती है, ये भी क्या होता है वहाँ पर बनने लगता है, जम जाता है या रहने लगता है, ठीक है। फंगस वहीं पर होते हैं, एक बात ध्यान रखनी, जिस पार्ट की सफाई नहीं की जाती, वो बॉडी हो या कोई एरिया हो घर का, घर का चाहे वो कोई एरिया हो या बॉडी हो, ठीक है, वो फंगस उसी जगह पे हो जाते हैं जहाँ पर उस जगह की सफाई नहीं की जाती ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। इसलिए जो भी जेनेटल्स पार्ट होते हैं, जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको क्या है बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए, या अच्छे डिसइंफेक्टिव सब्सटेंस या केमिकल्स यूज करने चाहिए। आप अपने हिसाब से जो भी पाएँ उस हिसाब से अपने बॉडी के पार्ट्स का केयर करें, ओके। ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब स्किन में बात करते हैं, स्किन में क्या होता है, मान लो कि पिट आर्म्स हैं, आर्म्स पिट में हो जाते हैं, या बॉडी के और भी पार्ट्स में हो जाते हैं, जो लोग ज़्यादा नहाते नहीं हैं उनमें भी होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर कोई व्यक्ति हफ्तों रुक जाता है, तो उसके ये क्या होता है अपना स्थान बना लेता है, क्या करता है अपना स्थान बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप थोड़ा समझे हैं, जैसे कि मान लो आपके घर में रोटियां बनती हैं, क्या ब्रेड बनते हैं, ठीक है, ये रोटियां हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर कोई रोटी ऐसे ही कहीं पर रख दी जाए, एक के ऊपर एक, कोई भी रोटी एक के ऊपर एक रख दी जाए, और उसको 3 दिन तक छुआ ना जाए, क्या 3 दिन 4 दिन तक उसको देखा ना जाए, ना उल्टाया पलटाया कुछ भी ना जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, रुई जैसा एक फफूंद बन जाता है, रुई जैसा एक फफूंद बन जाता है। अगर ब्लैक बनेगा, अगर काले कलर का बनेगा, तो उसी को ब्लैक फंगस कहते हैं, जो अभी कोरोना काल में आप देख रहे हैं। अगर ब्रेड देखा होगा, जैसे कि ब्रेड नहीं आती, ब्रेड ये चाहे चार कोने वाली हो चाहे गोल वाली ब्रेड हो, ठीक है, जो भी आप खाते हो अपने हिसाब समझना, ठीक है। तो अगर ये एक के ऊपर एक रखी होती हैं, तो एक हफ्ते के आसपास हो जाता है, या 3 दिन इनका ड्यूरेशन होता है कि इतने समय तक इनको यूज करना है। अगर इससे ज़्यादा हो जाती हैं, दो दिन ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये बीच में क्या करती हैं, एक धागे के समान या रुई के समान आपको लगेगा, एक फाइबर जैसा बन जाता है इन्हीं में, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये फंगस होता है, या यूँ समझे एक प्रकार का ब्लैक फंगस होता है, एक प्रकार का ब्लैक फंगस होता है। उसी प्रकार से रोटियों में देखा होगा, कभी कहीं पर ब्राउन हो जाएगा, कहीं पर ब्लैक हो जाता है, एक ऊपर एक ये जमने लगता है, ठीक है, काला काला हो जाता है, तो इसी को फंगस कहा जाता है। और जैसे कि जब ये जैसे स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स या टंग में आपके होगा, या जेनाइटल्स पार्ट एज ए वेजाइना होगा, तो ठीक है, ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, मतलब हो सकता है किसी भी तरह का, लेकिन क्या होगा, ये फंगस होगा, ओके। तो इसलिए नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए योर बॉडी, ओके, जहाँ पर जैसे ज़रूरत हो, जैसे जीभ भी करना होता है, अपनी जीभ या टंग की सफाई करना चाहिए, इससे कई प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4, पढ़ें फिर आंसर बताएं। ट्रेकोमा संक्रमण है, ट्रेकोमा इन्फेक्शन इज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ट्रेकोमा एक आंख से संबंधित डिसीजेज है, बीमारी है, कई बार बताया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ट्रेकोमा ऐसा लिखा जाता है जैसे कोई जहाज का नाम है,
ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है आपको, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाँ ठीक है, ट्रेकोमा एक प्रकार का डिसीज होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज होता है। अब बात ये ध्यान रखना है आपको कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये लिखा है क्लाइमाइडिया, क्या लिखा है क्लाइमाइडिया ट्रेकोमैटिसिस, ये ध्यान रखिए आप। ट्रेकोमैटिस इज कास्ड बाय द बैक्टीरियम क्लाइमाइडिया ट्रेकोमैटिसिस, ये यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरियम ये पूरा नाम लिखा है बैक्टीरियम क्लाइमाइडिया ट्रेकोमैटिसिस, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रेकोमा हो जाता है, आँखों में होने वाली बीमारी है, इसकी वजह से अंधता आ जाती है। क्या आ जाती है? अंधता, अंधता का मतलब है ब्लाइंडनेस आ जाती है, ओके ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है रूबेला को और क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, व्हाट इल्स रूबेला कॉल्ड, क्या होगा राइट आंसर इसका, कमेंट करें जल्दी से अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जर्मन मेजल्स के नाम से जाना जाता है, आप सभी को आता होगा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, जर्मन मेजल्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें फिर आंसर बताएं। पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन है, जीवाणुओं की वृद्धि रोकने को क्या कहती है, व्हाट इज सेड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्या है राइट आंसर इसका, सभी लोग आंसर बताएं इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैक्टीरियो स्टैटिक, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने को क्या कहते हैं, बैक्टीरियो स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक ओके। तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होना, देखो बैक्टीरियो मतलब होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियो मतलब क्या होगा बैक्टीरिया, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर का मतलब होता है डू नॉट मूवेबल, डोंट मूवेबल मतलब कोई भी चीज़ जो मूव ना करती इधर उधर ना रहे वहीं से वो चीज़ क्या होती है उसका ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकने के लिए, जीवाणुओं का ग्रोथ रोकने के लिए उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियो स्टैटिक किया जाता है, बैक्टीरियो स्टैट कहते हैं या बैक्टीरियो स्टैटिक कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक दो पॉइंट मेंशन है इन्हें समझ ले आप, बैक्टीरियो स्टैटिक क्या होता है, इट रिफर्स टू इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल्स के ग्रोथ को क्या करना है, वृद्धि को रोकने को बैक्टीरियो स्टैटिक कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये लिखा है बैक्टीरीसाइडल, इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये ऑप्शन में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने इसे पॉइंट के रूप में लिया है, ऑप्शन में कभी कभी मेंशन किया जाता है बैक्टीरी, ये लिखा है बैक्टीरीसाइडल, इसका मतलब होता है किलिंग द बैक्टीरिया, नॉट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, मतलब बैक्टीरियल सेल को रोकना नहीं इसका मतलब होता है, इसका मतलब स्टैक नहीं होता, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया को मार देना, बैक्टीरियल साइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को मार देना, और इसका मतलब होता है कि बैक्टीरिया को रोक ही देना, उसका जो ग्रोथ हो रहा है सेल्स में उसको कंट्रोल करना, ओके। ये एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन आपको टर्म्स पे जो छोटी सी बात है उसको समझना चाहिए कि टाइनी इसमें वर्ड्स क्या मेंशन है, ठीक है। बैक्टीरीसाइडल का मतलब होता है किलिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारना, इसका मतलब होता है कंट्रोल द बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके, बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को क्या करना, कंट्रोल करना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 7 पढ़ें फिर आंसर बताएं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें फिर आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7, उबलने का तापमान कितना होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, वो इज द बॉइलिंग टेम्परेचर, क्या है राइट आंसर इसका, सभी लोग बताएं इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब होता है जैसे कि मान लो आप खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, वो कोई भी पात्र हो, ये मान लो ओवन है, चूल्हा है, ठीक है, इस पर क्या है, ये पानी रखा हुआ है, तो जब ये उबलने लगेगा, पानी में खौलने लगेगा या उबलने लगेगा, तो ठीक है, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो जब ये पानी खौलने लगेगा, इसमें बुलबुले आएंगे, तो इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और ये पानी कब खौलने लगेगा, कितना टेम्परेचर हो जाएगा इस पात्र का या पानी का जो खौलने लगेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, इसी को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, ओके, ये 100 डिग्री होता है, ओके, जल के लिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये पानी जब भी या कोई भी लिक्विड जब भी बॉयल होता है, जब उसका टेम्परेचर क्या होता है, खासकर जल, वो जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब उससे बॉयल होने लगता है। अगर बात करें क्या 100 के बाद भी टेम्परेचर बॉयल होता है, क्या पानी बॉयल होगा, क्या नहीं, 100 तक तो पानी बॉयल होता है, ये मान लो कोई पात्र है, 100 तक तो पानी बॉयल होता है, 100 के बाद पानी क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, प्लस 100 एबव,
100 तक तो ये बॉइलिंग होगा, अगर इसका टेम्परेचर और बढ़ाया जाए तो पानी क्या होगा, ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड चेंज इनटू गैस फॉर्म, ओके गैसियस, ओके गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, पानी जमता है, जब जम जाएगा तो ये जीरो डिग्री पे जम जाता है, मतलब जब फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। जमने का, उबलने का कितना होता है, जब पानी उबलने लगता है वो 100 डिग्री होता है, ठीक है। जब ये गैसियस फॉर्म में चेंज होगा तो 100 प्लस चलेगा टेम्परेचर, क्या 100 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, 100 के ऊपर पानी और उबलता नहीं है, इसका मतलब और ज़्यादा नहीं उबलेगा, पानी 100 पे ही उबलेगा, इसके ऊपर अगर जाएगा तो वो क्या है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पानी लिक्विड चेंज इनटू गैस। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है राइट आंसर इसका, हॉट एयर ओवन में तापमान कितना होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन अ हॉट एयर ओवन। राइट आंसर यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है, अगर हिंदी में बात करें, इंग्लिश में ज्यादातर मेंशन किया जाता है, स्पेलिंग लिख लेना जो भी हिंदी मीडियम से है, हॉट एयर ओवन, इसको कहा जाएगा गर्म वायु चूल्हा, क्या गर्म वायु चूल्हा, हिंदी में बेतुका लगता है, इंग्लिश में याद रखना आप हॉट एयर ओवन। ओके इसका तापमान कितना होता है, ये भी क्या होते हैं, ये भी यूज किए जाते हैं डिसइंफेक्टेड जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, मतलब जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए इनमें टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। एक प्रकार के चूल्हे होते हैं कि कितना टेम्परेचर रखा जाए कि जो भी इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाए, तो 160 डिग्री सेल्सियस, कितना 160 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है 60 मिनट के लिए, ये टेम्परेचर एटलीस्ट है, मिनिमम है टेम्परेचर, और अधिक भी होता है 1.5 घंटे से 2 घंटे लिया जाता है, कितना अगर बात करें आवर्स में बात करें घंटे में तो 1 घंटे से 2 घंटे तक लिया जाता है, सॉरी 2 आवर्स तक टेम्परेचर लिया जाता है, किसमें हॉट एयर ओवन्स में, लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखा है 160 डिग्री सेल्सियस, लिख लेना याद कर लेना चाहे इसे, ओके 160 डिग्री सेल्सियस 60 मिनट के लिए, 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, ओके एक दो पॉइंट मेंशन है इन्हें समझ लें आप, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर दिया गया इतना तो ठीक है अप्रोप्रिएट था, फारेनहाइट में चेंज किया गया है 160 डिग्री सेल्सियस को 320 होता है, ठीक है ध्यान दिलाना, मैं आपको बता दूंगा कल हो सकता है आपको डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना और फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना एंड हाउ टू बी कैलकुलेट कन्वर्ज टू इन द केल्विन टेम्परेचर, ओके ये सारे टेम्परेचर को आपको बता देंगे कि कैसे इसे मतलब चेंज किया जाता है एक से दूसरे में, 1 से 2 घंटे के लिए टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट में बात करेंगे तो 320 डिग्री फारेनहाइट, ओके लेकिन एक बात नीचे मेंशन है पॉइंट के रूप में इसे समझ लें आप, अगर टेम्परेचर 190 डिग्री होगा तो ये मात्र 6 से 12 मिनट के आसपास चलेगा। देखिए टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है ना ज़्यादा तो टाइमिंग तो कम हो जाएगी कि टेम्परेचर इतना है 190 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर भाई कम हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर 160 था ये कम है टेम्परेचर इसलिए यहाँ पर 1 घंटे के लिए इसको तपाया जा रहा है, ठीक है और यहाँ पर 6 से 12 मिनट के बीच का टाइमिंग है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइमिंग तो कम लगेगी ना, टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइमिंग कम लगेगी, ओके तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9 पढ़ें फिर आंसर बताएं। हे फीवर, हे बुखार है आपको बताना है कैसा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या ये एलर्जिक राइनाइटिस है, कैसा है एलर्जिक राइनाइटिस है, हे बुखार, ओके एलर्जिक राइनाइटिस है जैसा लिखा है आपको इसी तरह याद करना है, हे फीवर इज अ एलर्जिक राइनाइटिस, ये पॉइंट याद कर लेना एग्जाम में जब भी मिलेगा तो एकदम फोटो कॉपी मिल जाएगा आपको, ओके ज़्यादातर ऐसा ही पूछा गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या होती है एलर्जिक राइनाइटिस में, मतलब हे फीवर में, इसमें क्या होता है कि आपको खुजली महसूस होती है, इचिंग बहुत महसूस होती है, स्नीजिंग मतलब आपको जुखाम जैसा लगता है, छींकें बहुत आती हैं, आँखों में पानी आ जाता है, आँखें वाटरी टाइप रहती हैं, देखा होगा कई लोगों में पर्सन्स में एक प्रकार का एलर्जी होता है, जो हे फीवर है एक प्रकार के एलर्जी से होता है, एलर्जी से कैसा होता है एलर्जी से, आपने आपको पता होगा एलर्जी क्या होता है, तो इसमें एलर्जी में ज़्यादातर क्या होता है लोगों को इचिंग महसूस होती है, बहुत खुजली झुंझलाहट महसूस होती है, बात करने की किसी से मन नहीं करता, बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, स्नीजिंग टाइम में मिलता है स्नीजिंग, जिसको ज़्यादातर ज़्यादा जुकाम होता है ना, ज़्यादा जुकाम होता है और ये जुकाम का कारण क्या होता है, एक तरह का एलर्जी होता है, ठीक है जब जिसको ज़्यादा जुकाम होता है उसकी आंखों में पानी भर ही आता है, उसकी आंखें रेडनेस टाइप हो जाती है, उसकी जब जुकाम होता है नाक बहती है ना तो आंखें ज़रूर उसकी लाल पीली हो जाती हैं, ओके
तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, ये एक प्रकार का क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से बैक्टीरियल, क्या लिखा है यहाँ पर, बैक्टीरियल का उदाहरण है। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द एंटी बैक्टीरियल, सॉरी हाँ एंटी बैक्टीरियल यहाँ पर मेंशन है। क्या है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है सभी, ठीक है। ये लिखा है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये लिखा है सल्फोनामाइड्स, ये सभी एंटी बैक्टीरियल हैं। कैसे मेडिसन है, ये सभी एंटी बैक्टीरियल हैं, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एक दो नीचे मेंशन है, इसके अलावा बाहर से नहीं आएंगे जो एग्जाम्स पूछे जाएंगे एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड्स, ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसन है, या आप एंटी बैक्टीरियल के रूप में इन्हें याद कर सकते हैं, याद कर ले। ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आपको एक दो बताने होते हैं एंटी बैक्टीरियल। ओके, यहाँ पर देखें एंटी बैक्टीरियल के और एग्जाम्पल क्या है, ये लिखा है एरिथ्रोमाइसिन और ये लिखा है क्लोराम फिनोकॉल, ठीक है। क्या लिखा है, क्लोराम फिनोकॉल लिखा है, फिनिकॉल लिखा है और ये एरिथ्रोमाइसिन लिखा है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड्स, ये सभी याद कर लेना, पाँच, तीन ऊपर ऑप्शन में दिए गए हैं, तीन ऊपर हैं ये ऑप्शन में, ठीक है। ये वाले तीनों याद कर लें एंटीबैक्टीरियल, और नीचे मैंने दो लिखे हैं, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में जब भी पूछे जाते हैं, एरिथ्रोमाइसिन और क्लोराम, ये लिखा है क्लोराम फिनिकॉल, थोड़ा टफ वर्ड है, आप इसे स्पेलिंग पे लिख लेना। ओके, ये पाँच, तीन ऊपर वाले, दो ये, ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, HIV है, क्या है यहाँ पर HIV, आपको आंसर बताएं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रेट्रोवायरस है। कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है। ओके, HIV एक प्रकार का क्या है, रेट्रोवायरस, ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, RNA DNA में चेंज हो जाता है, RNA जीनोम क्या होता है, DNA में चेंज हो जाता है, ये रेट्रोवायरस है। HIV आपको इतना बात समझना है केवल, HIV क्या है, एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, HIV के कारण ही एड्स होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर, 12 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, ये लिखा है व्हील फेलिक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फॉर होम इज द व्हील फेलिक्स टेस्ट डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लिखना इसे, क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या, ऑप्शन सी टाइफस फीवर। वेल फेलिक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, या किया जाता है टाइफस फीवर का डिटेक्शन या पता लगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख लें कि ये टाइफस फीवर किसकी वजह से हो जाता है, ये एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसकी वजह से, इट इज कास्ड बाय द टिक्स, टिक फ्लीज लाइस, लाइस जानते होंगे ना, ह्यूमन्स लाइस, पेडिकुलस ह्यूमन्स लाइस, ओके, मतलब जो जुएँ हो जाते हैं ना बॉडी में जुएँ हो जाते हैं, इसकी वजह से टाइफस फीवर हो जाता है। टिक ये क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो घरों में पाए जाते हैं, ठीक है, घरों में फ्लीज, मक्खी टाइप की कोई ऐसी ली जा सकती है, इसकी वजह से टाइफस हो जाता है, क्या टाइफस फीवर हो जाता है, लाइस जुए की वजह से, फ्लीज टिक की वजह से। आप इन्हें इंग्लिश में ही याद करना तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो भी हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, टिक फ्लीज लाइस की वजह से टाइफस फीवर हो जाता है। काफ़ी अच्छा था, व्हील फेलिक्स टेस्ट किया जाता है डिटेक्शन के लिए इसके, ओके, डायग्नोसिस के लिए मतलब, ओके। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर आप पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, एस्टलाइजेशन का केमिकल मेथड निम्न में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल मेथड ऑफ द एस्टलाइजेशन, क्या है राइट आंसर इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल, एथिलीन ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी लिख लेना, ये ऐसा लिखना है आपको, मैं बताता हूँ, एस्टलाइजेशन करने के लिए केमिकल मेथड, केमिकल विधि हिंदी में लिखेंगे रासायनिक विधि, स्पेलिंग नीचे मेंशन है, एस्टलाइजेशन के लिए जो इस्तेमाल किए, एक प्रकार के केमिकल होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और एथिलीन ऑक्साइड, और एक होता है H2O2 जिसको कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड, ये एक प्रकार के केमिकल मेथड है एस्टलाइजेशन करने के लिए। आपको पता है कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको भी संक्रमित करने के लिए, डिसइन्फेक्टेड करने के लिए, ताकि उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म किया जा सके, उसमें क्या यूज किया जाता है, ये एक प्रकार के केमिकल है जो इस्तेमाल किए जाते हैं
एथिलीन ऑक्साइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। ये और इसके अलावा मैंने बताया आपको H2O2, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं ये बात समझ लें। मैंने ऊपर भी बताया था बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगस आता है, प्रोटोजोआ आते हैं ये, और स्पोर्स वगैरह आते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए एक प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो नीचे केमिकल दिए गए हैं ये एक प्रकार के केमिकल होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और एथिलीन ऑक्साइड H2O2 एंड एक्सेट्रा और भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन गैस, फिनॉल और H2O2 आपको ध्यान रखना, ये एक प्रकार के केमिकल मेटर हैं। ऑटोक्लेविंग नॉट केमिकल मेटर, ठीक है, वो हीटिंग के अंतर्गत आते हैं, बाद में बात करेंगे, इतना आप समझें कि केमिकल मेटर के अंतर्गत ये आते हैं, और H2O2 लिख लेना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम यहाँ पर देख लें, ये लिखा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है इस तरह लिखा जाता है, H2 बेस में होता है, O2 भी बेस में होता है, इसी को हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 14, जिन लोगों का गलत था आंसर वो यहाँ पर दोबारा आंसर बता सकते हैं, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी देवियों और सज्जनों ने इसका आंसर सही बताया था और ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, 2017 में, काफ़ी सिंपल था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, ये हाई स्कूल में कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। और इसके अलावा जो आर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम्स होते हैं, जिससे रक्षा मंत्रालय, गन फैक्ट्री वगैरह होती है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री होती हैं, उनमें ये दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC, CGL, आर्मी वगैरह में भी पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है तो क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन हमेशा रखे जाते हैं ऐसे, जो जर्नलिस्ट सभी को आने चाहिए, ठीक है। तो एक स्वास्थ्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दृष्टि की स्पष्ट दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आप इससे ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू सीन 25 सेंटीमीटर, ओके सीन भाई, ओके, आपको देखना चाहिए इतना, स्वास्थ्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर जरूरी होता है देखना। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 15, यहाँ पर पूछा गया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, क्वेश्चन एग्जाम्स में कम से कम 3-4 बार पूछा जा चुका है, हु डिस्कवर दी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, क्या है राइट आंसर इसका। ये नर्सिंग में तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें ताकि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा, ठीक है। भयानक का मतलब ये नहीं कि तूफान आ जाएगा, तूफान वाले मतलब ये है कि कंपटीशन ज़्यादा हाई होगा, क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा हाई तैयारी करनी चाहिए, ओके, ताकि आप कंपटीशन को फाइट कर सकें। जहाँ भी हैं, जिस भी हालात में, आप वहीं से शुरू करें, कभी भी ज़िंदगी में सुनहरा अवसर नहीं आता। आपको अगर कोई भी अपना टारगेट फाइंड करना है, आप सोचेंगे कि नहीं मेरी तबीयत कल से सही हो जाएगी, आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आज हमें थोड़ा गर्मी लग रही है, आज हमें थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है, तो ये एक तरह के बहाने होते हैं, ठीक है। जब भी आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे ना, तो आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं दिखेंगी, ठीक है। अगर आप सच्चे मन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ना आपको सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं होगा, आप सब चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, आपके अंदर पेशेंस सहनशीलता आ जाएगी। इसलिए आप जहां भी हैं, जिस प्रकार से हैं, वहां से स्टार्ट करें, और जो भी टाइमिंग है आप समय से अपनी कंप्लीट नींद भी लें, सोएं भी, सोना भी जिंदगी में जरूरी होता है, लेकिन जो भी टाइम है इधर उधर बकवास ना करके, इधर उधर ना देख के अपना सदुपयोग करें टाइमिंग का, क्योंकि जिंदगी में कभी सुनहरा अवसर नहीं आता। आप ये जो सोच रहे हो हमारे लिए एक ऐसा अवसर आएगा, भगवान हमारे लिए अवतार लेंगे और हमें फिर एग्जाम में पास करा देंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या करेंगे, आपको सारा कोर्स याद हो जाएगा, वो समय कभी नहीं आएगा। आप अगर अभी से कोशिश नहीं करते तो वो समय कभी नहीं आएगा, ओके, इसलिए आपको अभी से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ओके। गीता में एक श्लोक है, उसे कहा गया है कर्मेण अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है, आपका कर्म पर अधिकार है, फल की चेष्टा ना करें, ठीक है, फल तो आपको अवश्य मिलेगा, आप अगर धरती में हैं कहीं से कहीं आपको फल जरूर मिलेगा अगर आप कर्म करते हैं, ठीक है, इसलिए आप कर्म पर अधिकार करें, आपका कर्म पर अधिकार है, फल की चेष्टा कदापि ना करें, जैसा नहीं कि फल की चेष्टा ना करें, फल आपको जरूर मिलेगा अगर आप कर्म सही दिशा में करते हैं, इसलिए आप सुनहरे अवसर की तलाश ना करें कि आपके लिए कोई ऐसा अवसर आएगा जिसमें आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर मिलेगा 20 या 18 डिग्री के आसपास, और वो मौसम बहुत सुहावना होगा, आपको ना सर्दी लगेगी ना गर्मी, तब आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
हमेशा देखिए सफलता उसी को मिलती है जो लोग क्या करते हैं, निरंतर कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, या जो लोगों के अंदर धैर्य होता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, सच्चे मन से लगते हैं, उनको लक्ष्य जरूर मिलता है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर्स।